नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आज मैं भगवती सक्सेना गौर आपको सुना रही हूँ नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी देन लेन। देन लेन। पांच पांच लड़कों के बाद जब लड़की पैदा हुई तो माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम निरुपमा रखा। इस घराने में ऐसा शौकीनी नाम इसके पहले कभी सुनने में नहीं आया था। अब तक अक्सर देवी देवताओं के नाम पर ही सबके नाम रखे जाते थे, जैसे गणेश, महेश, सीता, पार्वती आदि। इधर कुछ दिनों से निरुपमा की सगाई की बात चल रही है। उसके पिता राम सुंदर ने बहुत तलाश किया परंतु पसंद का कोई लड़का ही नहीं मिला। आखिर एक जबरदस्त राय बहादुर रईस के घर उनके इकलौते लड़के की उन्हें टोह लगी। हालांकि राय बहादुर के बाप दादों की जमीन जायदाद और धन दौलत बहुत कुछ खत्म हो चुकी थी, किंतु था तो वो खानदानी घराना। वर पक्ष की तरफ से 10,000 रुपये नगद और काफ़ी से ज़्यादा दहेज की मांग पेश हुई। राम सुंदर बिना कुछ सोचे समझे इस बात पर राजी हो गए। कारण उन्होंने सोचा ऐसे अच्छे लड़के को किसी भी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। किंतु रुपए का इंतजाम आखिरी दम तक कोशिश करते रहने पर भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत कुछ गिरवी रखकर, बेचकर, बहुत कोशिश करने पर भी 6-7 हज़ार की कमी रह ही गई। और इधर ब्याह के दिन करीब आ पहुँचे। अंत में ब्याह का दिन भी आ गया। बहुत ज़्यादा ब्याज पर एक ने बाकी रुपया देना कबूल भी कर लिया था, किंतु वक्त पर वह लापता हो गया। विवाह मंडप में बड़ी भारी काय काय मच गई और बड़ी भारी नाराजगी फैल गई। राम सुंदर ने राय बहादुर के हाथ जोड़े खुशामद की और कहा, शुभ कार्य पूरा हो जाने दीजिए, आपके रुपए मैं जरूर अदा कर दूंगा। राय बहादुर बोले, बगैर रुपया पाए लड़का मंडप में नहीं जा सकता। इस अप्रिय घटना से घर के भीतर औरतों में भी रोना सा शुरू हो गया और इस भारी मुसीबत का जो मूल कारण है वो ब्याह के कपड़े पहने, गहने पहने, माथे पर चंदन चेपे चुपचाप बैठी थी। भावी ससुर खानदान पर उसकी भक्ति और प्रेम खूब बढ़ रहा हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इतने में एक नई बात पैदा हो गई। लड़का अकस्मात ही बाप के खिलाफ हो गया। वो अपने बाप से कह बैठा, खरीद बिक्री और भाव थाव की बात मैं नहीं समझता, मैं ब्याह करने आया हूँ, ब्याह करके ही लौटूंगा। बाप बेचारे जो भी उनके सामने पड़ा उसी से कहने लगे, देखा साहब आजकल के लड़कों का ढंग। दो एक जो समझदार और होशियार पुरुष थे उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र और न्याय नीति की शिक्षा अब तो बिल्कुल रही ही नहीं, उसी का तो ये नतीजा है। आधुनिक शिक्षा का जहरीला फल अपनी ही संतान में फला हुआ देखकर राय बहादुर कोशिश से हारे हुए बैठे रहे। ब्याह तो किसी कदर हो गया किंतु बिना आनंद के उदास मन से। ससुराल विदा करते समय पिता ने
अपनी प्यारी बेटी को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लड़की ने चिंतातुर होकर पूछा, वहाँ वाले क्या, मुझे यहाँ कभी पिता ने रुधे हुए कंठ से कहा, क्यों क्यों नहीं आने देंगे बेटी? मैं खुद आने नहीं देंगे बाबूजी, पिता ने रुधे हुए कंठ से कहा, क्यों नहीं आने देंगे बेटी, मैं खुद जाकर तुझे ले आऊँगा। राम सुंदर अक्सर लड़की को देखने जाते हैं, पर समधी के घर उनका कोई आदर नहीं। नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाह से देखते हैं। अंतःपुर के बाहर एक अलहदा कमरे में 5 मिनट के लिए किसी दिन लड़की से मिल पाते और किसी दिन यूं ही बिना मिले ही वापस चले आते। समध्याने में ऐसा अपमान तो अब सहा नहीं जाता। राम सुंदर ने तय किया, जैसे भी हो रुपया अब अदा कर ही देना चाहिए, किंतु अभी जितना कर्ज का बोझ सिर पर लदा है उसी से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है, आगे की तो बात ही क्या। घर गृहस्थी का खर्च भी किसी तरह खींचा तानी से चल रहा है और कर्ज देने वाले महाजनों की निगाह से बचने के लिए तो उन्हें रोज ही तरह तरह के हीले हवाले सोचने पड़ते हैं। इधर ससुराल में निरुपमा को रात दिन उठते बैठते जली कटी सुननी पड़ती है। मायके की निंदा सुनते सुनते जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अकेली बैठी आंसू बहाया करती है और ये उसका रोज का काम हो गया। खासकर सास की घुड़की झिड़की तो कभी रुकती ही नहीं। यदि कोई कहता कि आहा कैसी शक्ल है, जरा मुँह का तो देखो, तो सास झमक कर बोल उठती, होगी नहीं, जैसे घर की लड़की है शक्ल भी तो वैसी ही होगी। और तो क्या, बहू के खाने पहनने तक की कोई खबर नहीं लेता। अगर कोई दयावान पड़ोसिन किसी गलती का जिक्र करती तो सास कहती, बस बस बहुत है इतना ही। अर्थात अगर बाप पूरे रुपए देता तो लड़की की पूरी खातिर होती। सभी ऐसा भाव दिखाते जैसे बहू का यहाँ कुछ हक ही नहीं, जैसे यहाँ वह धोखे में घुस आई हो। शायद लड़की के इस अनादर और अपमान की बात उसके पिता के कानों तक पहुँच गई और उसका फल यह हुआ कि रामसुंदर रहने का मकान तक बेचने की कोशिश करने लगे, किंतु अपने लड़कों से उन्होंने ये बात बिल्कुल छुपा रखी कि उन्हें बिना घर द्वार के करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने तय किया था कि मकान बेचकर उसी को किराए पर ले लेंगे। ऐसी तरकीब से लगे कि उनके मरने के पहले लड़कों को इस बात का पता ही नहीं चलेगा। लड़कों को किसी तरह ये बात मालूम हो गई। सबके सब लड़के बाप के पास आकर रोने लगे। खासकर बड़े तीनों लड़के विवाहित हैं, उनमें से किसी किसी के बच्चे भी हैं। उनके विरोध ने बड़ा गंभीर रूप धारण किया। आखिर मकान बेचना स्थगित रहा और तब रामसुंदर जगह जगह से मोटे ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए कर्ज लेने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया। निरुपमा पिता का मुंह देखकर सब समझ गई। उसे बूढ़े पिता के सफेद बालों पर, सूखे चेहरे पर, सदा सिकुड़े हुए भाव पर गरीबी और परेशानी की छाया साफ साफ दिखने लगी। लड़की के सामने जब पिता अपराधी हो तो उस अपराध के लिए उसका पछतावा क्या छुपाया जा सकता है। राम सुंदर समध्याने में जब इजाज़त प्राप्त करने के बाद किसी दिन क्षण भर के लिए
किसी तरह लड़की से मिलते तब उनकी छाती किस कदर फटती, सो तो उनकी हंसी से ही मालूम हो जाता। महज अपने पिता के दुखी दिल को तसल्ली देने के ही लिए कुछ दिन से निरुपमा मायके जाने को अधीर हो उठी। पिता के सूखे चेहरे को देखकर अब वो उनसे दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन पिता से उसने कहा, बापूजी मुझे घर ले चलो। पिता ने कहा, अच्छी बात है, किंतु उनका कोई बस नहीं था। अपनी लड़की पर पिता का जितना स्वाभाविक अधिकार होता है, मानो दहेज के रुपयों के बदले उसे गिरवी रख देना पड़ा हो। और तो क्या, लड़की से मिलने के लिए भी बहुत ही संकोच के साथ भीख सी मांगनी पड़ती है, और किसी किसी दिन तो मना ही हो जाने पर फिर दूसरी बार कहने का मुंह ही नहीं रह जाता। किंतु लड़की जब स्वयं मायके आना चाहती है, तब भला बाप उसे बिना ले जाए कैसे रह सकता है। समधी की सेवा में इस बात की दरख्वास्त पेश करने से पहले राम सुंदर ने उनके आगे कितनी दीनता, कितना अपमान और कितना नुकसान उठाकर 3,000 रुपये इकट्ठे किए थे। उस इतिहास का छिपा रहना ही अच्छा है। राम सुंदर 3,000 के नोट रुमाल में लपेट कर उसे अच्छी तरह चादर में बांध कर समधी के पास जाकर बैठे। पहले तो मुंह पर हंसी लाकर मोहल्ले की बात छेड़ी, फिर हरे कृष्ण के घर जो बड़ी भारी चोरी हो गई थी उसका शुरू से आखिरी तक किस्सा सुनाया। नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करके उनकी विद्या बुद्धि और स्वभाव के बारे में राधा माधव की प्रशंसा और नवीन माधव की निंदा की। शहर में एक नई बीमारी फैली है, उसके बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें कही, और फिर अंत में चादर को एक किनारे से रख कर बातों ही बातों में बोले, हे बाबू साहब, आपके रुपए तो अभी बाकी ही है ना, जब आता हूँ तभी सोचता हूँ कि कुछ लिए चलूँ, पर चलते वक्त ख्याल ही नहीं रहता, अब तो भाई बूढ़ा हो चला हूँ। इस तरह की लंबी भूमिका बांधते हुए पसली की 3 हड्डियों के समान उन 3 नोटों को मानो बहुत ही आसानी से बड़ी लापरवाही से निकाला। ले देकर सिर्फ 3,000 के नोट देखकर राय बहादुर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, अजी रहने दो इन्हें, अपने पास ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। और एक प्रचलित कहावत का उल्लेख करके उन्होंने कहा कि जरा से के वास्ते अब क्या हाथ गंदे करें। इतनी बात हो जाने के बाद लड़की को विदा कराने की बात और किसी के मुंह से शायद नहीं निकलती, किंतु रामसुंदर ने सोचा, रिश्तेदारी का संकोच अब मेरे लिए शोभा नहीं देता। हृदय में गहरी चोट पहुंचने के कारण कुछ देर तक तो वे चुप रहे, फिर अंत में उन्होंने नरमाई से उस बात का जिक्र किया। राय बहादुर ने किसी कारण का उल्लेख किए बिना ही कहा, विदा तो अभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वे किसी काम से बाहर चले गए। राम सुंदर कांपते हाथों से उन नोटों को चादर के छोर में बांधकर लड़की को मुंह न दिखाकर सीधे घर लौट आए और मन ही मन कसम खाई कि जब तक पूरे रुपए चुकाकर लड़की पर अपना हक नहीं पा जाता, तब तक समधी के घर नहीं जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। निरुपमा बाप को बुलाने के लिए आदमी पर आदमी भेजती रही, किंतु घर पर कभी वे मिले ही नहीं।
बहुत दिनों से अपने बापूजी को ना देख पाने से भीतर ही भीतर वो घुलने लगी। आखिर उसने आदमी भेजना भी बंद कर दिया और तब बाप के मन को बड़ी चोट लगी, किंतु फिर भी वे लड़की के घर नहीं गए। कुंवार का महीना था। राम सुंदर ने कहा, अब की बार पूजा में लड़की को जरूर बुलाऊंगा, नहीं तो मैं बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे। दुर्गा पूजा की पंचमी के दिन राम सुंदर फिर चादर के छोर में कुछ नोट बांधकर चलने की तैयारी करने लगे। इतने में 5 साल का पोता आकर कहने लगा, बाबा मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? बहुत दिनों से उसे रबड़ के पहियों की ठेला गाड़ी पर चढ़कर हवा खाने का शौक हुआ है, किंतु किसी भी तरह वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। 6 वर्ष की एक पोती ने आकर कहा, पूजा के न्योते में जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी धोती नहीं है बाबा। राम सुंदर यह सब जानते थे और इस बारे में उठते बैठते बहुत कुछ सोच भी रहे थे, और साथ ही इस सोच में भी पड़े हुए थे कि राय बहादुर के घर से कहीं पूजा का न्योता आ गया तो क्या अपनी बहुओं को वहाँ इसी तरह मामूली गहने पहनकर मेहरबानियाँ पाए हुए गरीब की तरह जाना पड़ेगा। ये सब बातें सोचते हुए उन्हें बहुत सी गहरी सांसें लेनी पड़ी, पर उससे उनके माथे पर सिकुड़न पड़ने के सिवाय और कोई नतीजा ही नहीं निकला। गरीबी से तबाह अपने घर का रोना कानों में लिए हुए राम सुंदर ने समधी के घर कदम रखा। आज उनमें संकोच का भाव नहीं था। दरबान और नौकरों के मुंह की तरफ देखने से पहले जैसे उन्हें झिझक होती थी, अब वो बात नहीं रही। अब तो वह ऐसे घुसे जैसे अपने ही घर में घुस रहे हों। भीतर जाकर उन्होंने सुना कि राय बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर बैठना पड़ेगा। राम सुंदर मन की उमंग को रोक ना सके, लड़की से भेंट की। मारे आनंद के उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बाप भी रोए, बेटी भी रोई, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। इसी तरह कुछ समय बीत गया। बहुत देर बाद राम सुंदर ने कहा, अब की बार तुझे जरूर लिवा ले चलूँगा बेटी, अब कोई अड़चन नहीं। राम सुंदर का बड़ा लड़का हरमोहन अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर सहसा घर में आ घुसा और पिता से बोला, बापूजी तो क्या हमें अब रास्ते का भिखारी ही बनना पड़ेगा? राम सुंदर सहसा गुस्से से भर उठे, बोले, तो तुम लोगों के लिए क्या मैं नरक गामी बनूं? मुझे तुम लोग अपने सच का पालन नहीं करने दोगे? राम सुंदर ने अपना मकान बेच डाला था और इस बात की भी उन्होंने ठीक और काफ़ी इंतजाम कर लिया था कि लड़कों को किसी तरह मालूम ना पड़े, किंतु आश्चर्य है फिर भी उन्हें मालूम पड़ ही गया। इससे लड़कों पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि आपे से बाहर हो गए। लड़के के साथ पोता भी था, वो भी उनको दोनों घुटनों को जोर से पकड़कर मुंह उठाकर कहने लगा, बाबा मेरी गाड़ी। राम सुंदर सिर झुकाए खड़े रहे, कोई जवाब न पाकर बच्चा निरुपमा के पास दौड़ा और बोला, बुआ जी मुझे एक गाड़ी ले दोगी? निरुपमा सब समझ गई और बोली, बापूजी अगर तुमने एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो फिर तुम अपनी बेटी को जिंदा ना पाओगे, मैं तुम्हारी देह छू कर कहती हूँ। छी बेटी, ऐसा नहीं कहते, अगर मैं रुपया ना दे सका तो इसमें तेरे बाप की बेइज्जती है और तेरी भी। बेइज्जती तो रुपया देने में है, तुम्हारी बेटी की क्या कोई इज्जत नहीं है? मैं क्या सिर्फ एक रुपए की थैली हूँ? जब तक रुपया है तभी तक मेरी कीमत है। नहीं,
बापूजी, रुपए देकर तुम मेरा अपमान ना करो, और फिर तुम्हारे दामाद तो रुपए चाहते ही नहीं, तो फिर ये तुझे विदा जो नहीं करेंगे बेटी, ना करें। तुम क्या करोगे बताओ, तुम भी विदा कराने मत आना। राम सुंदर कांपते हुए हाथों से नोट बंधे दुपट्टे को कंधे पर डालकर फिर चोर की तरह सबकी निगाह बचाकर घर लौट गए। किंतु ये बात किसी से छिपी न रही कि राम सुंदर रुपए लेकर आए थे और लड़की के मना कर देने से बिना दिए ही चले गए। किसी नटकट दासी ने कान लगाकर ये बातें सुन ली थी और सास से कह दी थी। सुनकर सास मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल काटों की सैया हो उठी। एक तो पति विवाह के थोड़े दिनों बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर परदेश चले गए थे, दूसरे इस ख्याल से कि मिलने जुलने से बेटी में कहीं ओछापन ना आ जाए, अब उसका मायके वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया गया। इसी बीच निरुपमा एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, किंतु इसके लिए केवल उस सास को ही अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। स्वयं निरुपमा भी अपनी सेहत की तरफ से बड़ी लापरवाह हो गई थी। कार्तिक के महीने में जबकि काफ़ी ओस पड़ती है, सारी रात वो सिरहाने की खिड़की खोलकर सोती और रात भर उघाड़ी पड़ी रहती थी। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था। दासियाँ कभी कभी कलेवा लाना भूल जाती तो वह अपने मुंह से याद भी नहीं दिलाती थी। उसके मन में ये बात खूब गहराई तक बैठ गई थी कि वो इस घर की दासी है, मालिक मालकिन की मेहरबानी पर जिंदगी बसर कर रही है। किंतु ये भाव भी उसकी सास को बर्दाश्त न था। अगर खाने पीने में बहू की तरफ से कोई लापरवाही देखती तो झट कह बैठती, नवाब की बेटी है ना, गरीब के घर का खाना क्यों रुचने लगा। कभी कहती, देखो जरा शक्ल तो देखो कैसी हो रही है, दिनों दिन जली लकड़ी जैसी हो रही है। अंत में एक दिन निरुपमा ने सास से बड़ी विनती के साथ कहा, माँ बापूजी और भाइयों को एक बार बुलाकर दिखा दो ना। सास बोली, सब मायके जाने का ढंग है, कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा, किंतु बात सच है कि जिस दिन शाम के वक्त निरुपमा को उल्टी सांस चलने लगी, उसी दिन पहले पहल उसे डॉक्टर ने देखा और वही दिन उसके इलाज का आखिरी दिन हुआ। घर की बड़ी बहू मरी है, लिहाजा खूब धूमधाम के साथ अंत्येष्टि क्रिया की गई। प्रतिमा विसर्जन के समारोह के संबंध में जैसी राय चौधरी की लोक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है, बड़ी बहू की दाह क्रिया के विषय में भी राय बहादुर की वैसी ही नामवरी हो गई। ऐसी चंदन की लकड़ियों की चिता आज तक किसी ने नहीं देखी थी। फिर श्राद्ध भी ऐसे ठाट बाट से हुआ कि जो सिर्फ राय बहादुर के घर ही संभव था। सुनते हैं इसमें वे कुछ कर्जदार भी हो गए थे। राम सुंदर को सांत्वना देते समय लोग उनकी लड़की का कैसे धूमधाम के साथ दाह हुआ उसी का विस्तार करने लगे। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट की चिट्ठी आई कि मैंने यहाँ मकान वगैरह का सब इंतजाम कर लिया है, अब जल्दी से बहू को भेज दो। राय बहादुर की राय बहादुरिन ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख ली है, यहाँ चले आओ,
अब सगाई भी तय कर ली है, सो तुम जल्दी छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। अब की बार लड़के के ब्याह में राय बहादुर को 20,000 रुपये नगद मिले और वे हाथों हाथ वसूल भी किया। अभी आप सुन रहे थे नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी देन लेन। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।